लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बेंगलुरु की सड़कों पर लोगों को ट्रैफिक रूल समझाने आए भगवान गणेश, दिया सिर्फ ड्राइविंग का संदेश। इस बार ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट बांटने और सुरक्षित यातायात का संदेश देने के लिए भगवान गणेश को चुना है। वैसे बेंगलुरु पुलिस की इस तरह की मुहिम पहली बार नहीं है, इससे पहले वे अपने साथ यमराज को भी जोड़ चुकी है। बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में यातायात पुलिस ने लोगों को सिर्फ ड्राइविंग का संदेश देने के लिए फिर से नया तरीका इजाद किया है। इस बार ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट बांटने और सुरक्षित यातायात का संदेश देने के लिए भगवान गणेश को चुना है। वैसे बेंगलुरु पुलिस की इस तरह की मुहिम पहली बार नहीं है, इससे पहले वे अपने साथ यमराज को भी जोड़ चुकी है, अब उन्होंने भगवान गणेश को चुना है। दरअसल इन दिनों भगवान गणेश के परिधानों में एक व्यक्ति सड़क पर लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग का मैसेज देने के साथ साथ हेलमेट भी बांट रहा है। बेंगलुरु के राजनगर ट्रैफिक पुलिस ने ये मुहिम शुरू की है। इसमें भगवान गणेश की ड्रेस पहने व्यक्ति लोगों को बता रहा है कि सुरक्षित ड्राइविंग क्यों जरूरी है और अपने सिर की रक्षा करना पहला काम है। पुलिस के इस तरह के प्रयासों की फोटो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। इसके अलावा बेंगलुरु पुलिस और भी दूसरे तरीकों से लोगों में सुरक्षित यातायात के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है। इसके तहत ट्रैफिक नियमों का पालन और सड़क सुरक्षा के नियमों का गंभीरता से पालन करना जरूरी है, ये बताया जा रहा है। इसके तहत ही पिछले सप्ताह यहाँ यातायात पुलिस के जवानों ने स्ट्रीट लीक किया। उनके इस कदम ने जहाँ स्थानीय लोगों को दिल जीता तो सोशल मीडिया से भी उन्हें खूब तारीफ मिली। इससे पहले जुलाई महीने की शुरुआत में बेंगलुरु पुलिस ने अपने एक कैंपेन के तहत एक थिएटर आर्टिस्ट को अपॉइंट किया था। इसने यमराज के रूप में लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया था।